पत्नी का दूसरे के साथ अफेयर, श्री कृष्ण ने दिया साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लड़कियां किसी से अगर प्रेम करती हैं, उनके साथ कैसे गलत हो जाता है, कैसे फंसी हुई रह जाती है दूसरे इंसान के प्रेम में। तो आज मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने वाली हूँ। स्टोरी बहुत ही अच्छी होने वाली है और आप जब इस स्टोरी को पूरा लास्ट तक सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या होती है, कैसे एक पति पत्नी का रिश्ता निस्वार्थ भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके सवालों के जवाब हम देते हैं। अगर कोई भी समस्या आपकी रिश्तों से जुड़ी हुई है तो फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी समस्या लिख दें। अगला वीडियो हम आपकी समस्या पे जरूर बनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक माइंड ब्लोइंग सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में ही जिंदा होती है और पानी से ही मर जाती है? सही जवाब देने वालों के नाम मैं लाइव फेसबुक पेज और यूट्यूब पर अनाउंस करती हूँ, तो संडे के दिन 2 बजे लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मैं उस गवार से शादी नहीं करूंगी, मैं इस पंखे से लटक कर मर जाऊंगी अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो। भीगी भीगी आंखों के साथ बंद कमरे में पुष्पा यही 2 लाइन बड़बड़ाए जा रही थी। और भला दुखी भी क्यों ना हो, उसके बचपन का प्यार उसके बापू ने जो उससे छीन रहे थे। पुष्पा के पिता ने कहा, बहुत हुई तुम्हारी मनमानी, अब मैं तुम्हारी किसी भी धमकी में नहीं आने वाला, शादी तो तुम्हारी होगी और श्याम से ही होगी। पुष्पा के पिता ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ, उसकी शादी श्याम से करवा दी। श्याम एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था और वह श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। हाँ, थोड़ा कम पढ़ा लिखा था और बहुत ज्यादा मॉडर्न भी नहीं था, इसीलिए पुष्पा उसको गवार बोलती थी। शादी के बाद पुष्पा अपने ससुराल आ गई और उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस शादी को तोड़ कर रहूंगी, ऐसे कैसे मैं इस गवार श्याम को अपना पति मान लूं, मैं तो सिर्फ करण की पत्नी बनना चाहती थी। तभी कमरे में श्याम हाथ में ग्लास का दूध लिए खड़ा था। उसने कहा कि अगर मेरी धर्म पत्नी की इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूँ। तभी पुष्पा बोली, क्यों, मैं अगर मना कर दूंगी तो नहीं आओगे? शादी की पहली रात थी, अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर श्याम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन पत्नी की भावनाओं को समझते हुए उसने कुछ नहीं कहा। उधर सुहाग रात की बात सोचकर पुष्पा के पसीने छूटे जा रहे थे, वो नहीं चाहती थी कि करण के सिवा उसे कोई और हाथ लगाए। तभी अचानक पुष्पा ने कहा, अगर किसी पत्नी को उसका पति बिना उसकी मर्जी के हाथ लगाए क्या यह बलात्कार है या हक? श्याम ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अरे इतना मत सोचो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें दूध देने आया था, इसे कुछ गलत मत समझना। बस इतना कहकर श्याम कमरे से बाहर निकल गया। पुष्पा को श्याम के इस जवाब से और ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि वह तो अपने पति से लड़ने के बहाने ढूंढ रही थी, लेकिन श्याम वहाँ से चुपचाप चला गया और रोज की तरह ही सुबह उठकर वह श्री कृष्ण के मंदिर चला गया, जहाँ उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी और पुष्पा की जोड़ी हमेशा बनाए रखना। शायद उसे कहीं न कहीं ये आभास हो गया था कि उसकी पत्नी उसे खास पसंद नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा ससुराल में एक भी काम नहीं करती थी, उल्टा सारा काम अपनी बूढ़ी सास से करवाती थी। करीब 1 महीना बीत गया लेकिन पुष्पा और श्याम की सुहाग रात नहीं हुई। लड़का बड़ा ही शांत स्वभाव का था, तभी वह पुष्पा से कुछ भी नहीं कहता था। जब पुष्पा सो जाती तो रात को उसे देख देख कर कुछ न कुछ वह अपनी डायरी में लिखा करता। अगले दिन सभी बैठकर साथ में नाश्ता कर रहे थे, तभी पुष्पा ने कहा कि मम्मी जी इतना गंदा खाना कैसे बना सकती है, आपको एक काम ठीक से करना नहीं आता, सारा मूड खराब कर दिया। और इसके बाद पुष्पा ने खाने की प्लेट जमीन पर फेंक दी, लेकिन उस दिन श्याम के सब्र का बांध टूट गया और उसने पुष्पा को एक घसीट कर जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद पुष्पा गुस्से में लाल होकर चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गई। वहीं श्याम को बहुत ही दुख हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, वह रोते हुए श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा। वहीं दूसरी तरफ रोते हुए पुष्पा अपने बचपन के प्यार करण के पास जा पहुंची। करण को देखते ही पुष्पा उसके गले लग गई और कहने लगती है कि मैं अब एक पल भी उस गवार के साथ नहीं रह सकती, मेरे लिए यह शादी चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। तभी करण ने कहा कि मैं तो तुमसे कब से कह रहा हूँ कि मेरे साथ भाग चलो, हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे, लेकिन तुम खुद ही उस नरक से निकलना नहीं चाहती हो, आजकल करती रहती हो, कहीं तुम्हें श्याम से प्यार तो नहीं हो गया? इस पर पुष्पा ने कहा, कैसी बात कर रहे हो करण,
मैं शादी वाले दिन भी तुम्हारे पास आई थी, उस दिन तुम्ही ने मुझे वापस लौटा दिया था। कैसे तुमने मुझे किसी और की दुल्हन बनते हुए देख लिया? करण ने कहा, तुम उस दिन खाली हाथ चली आई थी ना, ना एक पैसा और ना ही तुम्हारे पास जेवर थे। प्यार से पेट नहीं भरता। पुष्पा ने कहा, ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं था। जैसे ही बापू को हमारे प्यार के बारे में पता चला, उन्होंने एटीएम से लेके सारे जेवर तक मुझसे छीन लिए। करण ने कहा, चलो ठीक है, ये तो पैसे की बात हुई। मैं जब भी तुम्हें हाथ लगाता हूँ तो तुम मुझसे ऐसे दूर भागती हो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो, और कहती हो शादी के बाद, तुम्हारे बहुत ही नखरे हैं। तभी पुष्पा आंखों में आंसू लिए हुए कहती है कि मैं तुम्हारी ही तो हूँ, लेकिन ऐसी नहीं कि ये सब कुछ शादी के पहले ही करूँ। मैंने अपने पति को हाथ तक नहीं लगाने दिया, बस तुम एक बार मेरी मांग में सिंदूर भर दो, उसके बाद सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही होगा। करण ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार तुम अपने ससुराल से बहुत सारा धन, पैसा और जेवर लेकर आना। ये मत सोचना कि मैं पैसे से प्यार करता हूँ, ये पैसे भी मैं तुम्हारे लिए ही मंगवा रहा हूँ। कल सुबह 12 बजे तुम मुझे पहाड़ी वाले मंदिर पर जरूर मिलना। बस इसके बाद दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। गुस्से में लाल पुष्पा घर पहुँचते ही अपने कमरे में चली जाती है और गुस्से में दरवाजा बंद कर लेती है। तभी श्याम कहता है कि मेरी अलमारी से बस मेरी डायरी दे दो, उसके बाद तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। श्याम बहुत देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हार कर श्याम वहाँ से चला गया, जिसके बाद पुष्पा के मन में ख्याल आया कि देखती हूँ यह गवार अपनी डायरी में क्या लिखता है। अलमारी खोलते ही उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देख कर वह हैरान रह गयी। उसने देखा उसके सारे जेवर, पैसे और एटीएम जो उसके बापू ने छीने थे, वो सब श्याम की अलमारी में थे। जब खोलकर चेक किया तो पता चला कि श्याम ने दहेज के पैसे भी पुष्पा के ही अकाउंट में डाल दिए थे। यह देखकर वो बहुत ही हैरान रह गई। इसके बाद उसने डायरी खोली और देखा कि उसमें लिखा है, काश मैं अपनी पुष्पा को बता पाता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। वो तो एक बार भी मेरी तरफ प्यार से नहीं देखती है। उसको लगता है कि मैंने उसके बापू से उसका हाथ मांगा था, बल्कि हकीकत तो कुछ और ही है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पुष्पा के बापू ने मेरी माँ की जान बचाई थी। मैं उनका एहसान मंद हूँ। इस घटना के बाद उसके बापू हमारे घर आए और उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने करण और पुष्पा के बारे में भी मुझे सब कुछ बताया। पुष्पा के बापू उसकी खुशी चाहते थे, इसलिए उन्होंने करण के बारे में सब कुछ पता लगाया। जब उनको उसकी सच्चाई के बारे में पता चला तो उनका दिल टूट गया। उनको लगा कि ये सदमा पुष्पा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दरअसल करण पहले से ही शादीशुदा है और वो इसी तरह से कई लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाता है और उनका फायदा उठाता है। बस यही सुनकर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन अब लगता है कि मेरी पुष्पा मेरी वजह से शादी के इस जंजाल में फंस गई है। मैं उसको इस रिश्ते से आजाद करना चाहता हूँ, इसीलिए डायरी के बीच में तलाक के पेपर रखे हैं। मैंने साइन कर दिया है, सोचता हूँ उसे दे दूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। शायद मेरा दिल अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है। बस इतना पढ़ते ही पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसने उन तलाक के पेपर को फाड़ दिए और भागती हुई वह अपने पति के पास गई और उसके पैरों पर गिर गई और उससे बोलने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपका प्यार नहीं समझा। तभी श्याम कहता है कि मैं आपसे कभी नाराज ही नहीं था, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और श्याम पुष्पा को लेकर सीधे श्री कृष्ण के मंदिर जाता है। दोनों हाथ जोड़कर भगवान को याद करते हैं। वही श्याम श्री कृष्ण को उसका रिश्ता बचाए रखने के लिए धन्यवाद कहता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह श्याम ने पुष्पा की सच्चाई जानने के बाद भी उसे सच्चे दिल से प्यार किया। इस प्रेम में स्वार्थ या बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, बल्कि ये तो निस्वार्थ प्रेम था, ठीक वैसे ही जैसे मीरा ने श्री कृष्ण से किया था। यही सच्चाई देखकर श्री कृष्ण ने श्याम का घर बसा दिया। दोस्तों, आप सब लोगों को पता चल चुका है कि सच्चा प्यार क्या होता है। काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सच्चा प्यार क्या है। इस स्टोरी के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि निस्वार्थ प्रेम भावना और सच्चा प्यार क्या होता है, और कभी भी किसी लड़के पे आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसा कि पुष्पा ने करण के ऊपर किया था। जब तक उसकी सच्चाई ना पता चले, आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। एक चीज वहाँ पुष्पा ने बहुत अच्छी की थी,
कि बिना शादी के उसे किसी को भी अपने शरीर को टच नहीं करने देना है। ऐसे ही अपने जीवन में समझते हुए आगे बढ़िए। इस स्टोरी के माध्यम से आपको पता ही चल गया होगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा सच्चा प्यार हुआ है? क्या आपको कोई ऐसा सच्चा प्यार करने वाला मिला है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें, और लगातार अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।